हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेलिंग। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें नंबर अगर कभी लिखना हो तो हम नंबर को ब्रेल में कैसे लिखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर के साइन बहुत इजी है। जो हमने कोड्स याद किए थे लाइन फर्स्ट में, ए से लेके जे तक, सेम आपके वही कोड्स हैं 1 to 0। 1 to 0 आपके सेम वही कोड चलेंगे जो आपके ए टू जे थे। ए का कोड आपका 1 था, 1 का कोड भी आपका 1 है, बी का कोड आपका 1 to 2 और 2 का कोड भी आपका 1 to 2। बस इसमें डिफरेंस ये है कि अगर हमें कभी कोई नंबर लिखना है तो नंबर से पहले हम नंबर साइन ज़रूर लगाएंगे, और नंबर साइन होता है हमारा 3, 4, 5, 6। सो अगर हमें कभी भी कोई नंबर लिखना हो तो पहले हम नंबर साइन लगाएंगे, देन उसके बाद नंबर लिखेंगे। सपोज जैसे अगर हमें 1 लिखना है तो पहले हम 3, 4, 5, 6 लगाएंगे और फिर 1 का कोड लगा देंगे। 2 लिखना है तो 3, 4, 5, 6 देन 2 का कोड, 2 का कोड है हमारा 1, 2। 3 लिखना है तो नंबर साइन फिर 1, 4। अगर आप विदाउट नंबर साइन लिखेंगे तो इसका मतलब ए हो जाएगा, इसका बी और इसका सी। इसलिए अगर हमें कोई नंबर लिखना है तो पहले हम नंबर इंडिकेटर ज़रूर लगाएंगे, देन उसके बाद जो बाकी का नंबर का कोड है वो लिख देंगे। सो इसी टाइप से आपके सारे जितने नंबर्स हैं वो आप लिखेंगे। अगर 5 लिखना है तो नंबर साइन देन 5 का कोड 1, 5। सो मैं आपको थोड़े और एग्जांपल्स करा देती हूँ। जैसे हमें लिखना है 753। अगर हमें 753 लिखना है ब्रेल में तो हम सबसे पहले लगाएंगे नंबर साइन, फिर नंबर साइन के बाद 7 का कोड 7, देन 5 का कोड और फिर 3 का कोड। सो ये आ गया हमारा नंबर साइन, देन 7, 5 और 3। सो नंबर साइन आपका एक बार यूज होगा, बाकी कंटिन्यू में आपको जितने नंबर्स लिखने हैं आप उतने लिख सकते हैं। इसी टाइप से आपके सारे कोड्स होंगे। जैसे आपको लिखना है 108, अगर आपको 108 लिखना है तो पहले आपको नंबर साइन लिखना पड़ेगा, नंबर साइन के बाद 1 का डॉट, 1 के बाद 0 और फिर 8। सो 108 आप ऐसे लिखोगे। इसी टाइप से आपके सारे कोड्स सारे नंबर्स कवर हो जाएंगे। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि अभी मैंने आपको जितने भी कोर्स कराए हैं मैथ्स के, ये आपके सिर्फ एप्लीकेबल होंगे जब आप इंग्लिश या हिंदी ब्रेल लिखेंगे तब। मैथ्स ब्रेल के लिए ये कोड्स एप्लीकेबल नहीं है। मैथ्स ब्रेल के लिए डिफरेंट कोड्स हैं मैथ्स के, क्योंकि मैथ्स की जो ब्रेल है वो बनाई है हमारी नियमित ब्रेल ने, और जो इंग्लिश और हिंदी के कोड्स हैं वो बनाए, उसके कोड्स इन्वेंट किए हमारे लुईस ब्रेल ने। सो ये जो कोड्स अभी हमने किए हैं ये सिर्फ इंग्लिश और हिंदी ब्रेल में, अगर आपको कभी काउंटिंग या कोई ईयर यूज़ होता है तो आपको ये यूज़ करना है। सपोज़ अगर आपके पास स्टेटमेंट है आई एम 19 ईयर्स, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। सो इसमें जो 19 है इसमें आप पहले नंबर साइन यूज करेंगे, देन 1 का डॉट लगाएंगे और फिर 9 का। तो यहाँ पर आपका ये स्टेटमेंट यूज। सो अगर इस टाइप से कभी आपकी स्टेटमेंट के बीच में कोई नंबर यूज हो रहा है तो आप ये वाले डॉट कोड्स यूज करेंगे, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। मैथ्स की ब्रेल हम बाद में करेंगे, अभी जो इंग्लिश और हिंदी के लिए एप्लीकेबल नंबर्स हैं उसकी डॉट्स मैंने आपको करा दी। सो अभी तक जितना भी हमने कंटेंट पढ़ा है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट हो अभी भी
तो आप मुझसे पूछ लेना, डिस्कस कर लेना। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।